अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए आप, ये गौस नगर बी का जो है ना मसला है। यहाँ पर हम इमाम साहब के बीवी का वक्त डिलीवरी का आ गया था, पेन शुरू होने की वजह से जब फौरी तौर पर यहाँ के ज़िम्मेदारों को इत्तला दिए, और यहाँ पर हमारे शाहनवाज जो एरिया सदर है और मैं मोहम्मद अब्दुल खालिक जो बस्ती का ज़िम्मेदार हूँ, हम लोग फौरी तौर पर जो है हमारे हरदिल अजीज मिर्ज़ा करीम बेग साहब को इत्तला दिए, जिसकी वजह से यहाँ पर एम्बुलेंस आई है। इसके अंदर यहाँ पर थोड़ा पहाड़ी इलाका है, फौरी तौर पर एम्बुलेंस आई और माशाल्लाह जो है ना अभी पूरा इंतज़ाम हो गया है। अभी अमूर साहब अपनी शरीक हयात के साथ और बस्ती के माशाल्लाह ख़वातीन भी जो है ना मदद के लिए आए आगे बढ़कर, और वो भी जो है ना साथ चल रहे हैं। और हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदारों का कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सबसे जो है ना बातचीत करें और उनके मशवरों पर बेहतरीन काम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और इमाम साहब कुछ भी सर आ तो फ़ोन करिए। हाँ, जजाकल्ला सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा बेग करीम साहब जो है, और बस्ती के एमएम के लीडर खालिद भाई और शाहनवाज भाई, इन लोगों की मदद से इंशाल्लाह आसानी से हम लोग दवाखाना पहुंच रहे हैं। ये तमाम लोगों का शुक्रिया है, और आपकी सहूलत के लिए, हर किसी की सहूलत के लिए दुआ है कि इन लोग हमेशा इस काम में मसरूफ रहे और सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। एमएम का बहुत बहुत शुक्रिया, उन लोग जो है पैसे से भी मदद करें और एम्बुलेंस मंगा के हेल्प करें, ये बहुत बड़ा जो है उन लोगों का शुक्रिया है। और एमएम के लीडर के लिए हमेशा के लिए दुआ है, हम लोग इस काम में हमेशा जो है। चलिए मुश्किल है, आप चलिए बैठिए, चलिए हम लोग तैयार है। ऐसा कुछ भी रहा तो फिर फ़ोन करिए शाहनवाज को या मेरे को फ़ोन करिए। जजाकल्ला सर। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मस्जिद शम्स के इमाम साहब गौस नगर, आज मेरे अहलिया के आखिरी महीने थे डिलीवरी का, और मैं परेशान था। खालिद साहब को फ़ोन किया, एमएम के लीडर और शाहनवाज साहब आए, दोनों ने जो है एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया मिर्ज़ा करीम बेग साहब के ज़रिए से, और आसानी तरीके से हम लोग जो है दवाखाना तक पहुँचे, और इन लोगों ने पैसे से भी इमदाद किए और एम्बुलेंस का खर्चा भी उठाए। और ख़ास तौर से हफीज़ साहब और कलीम साहब को ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करता हूँ। इन तमाम जितने भी जिम्मेदारान हैं हमारे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, और हम लोग जो अभी दवाखाना में आसानी तरीके से पहुँचे हुए हैं और एडमिट करें इंशाल्लाह, अल्लाह चाह तो खुशखबरी के इत्तला ज़रूर मिलेगी। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मस्जिद शम्स के इमाम साहब गौस नगर, आज मेरे अहलिया के आखिरी महीने थे डिलीवरी का, और मैं परेशान था। खालिद साहब को फ़ोन किया, एमएम के लीडर और शाहनवाज साहब आए, दोनों ने जो है एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया मिर्ज़ा करीम बेग साहब के ज़रिए से, और आसानी तरीके से हम लोग जो है दवाखाना तक पहुँचे, और इन लोगों ने पैसे से भी इमदाद किए और एम्बुलेंस का खर्चा भी उठाए। और ख़ास तौर से हफीज़ साहब और कलीम साहब को ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करता हूँ। इन तमाम जितने भी जिम्मेदारान हैं हमारे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, और हम लोग जो अभी दवाखाना में आसानी तरीके से पहुँचे हुए हैं और एडमिट करें इंशाल्लाह, अल्लाह चाह तो खुशखबरी के इत्तला ज़रूर मिलेगी। अल्लाह हाफिज़।